हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संदीप बसीन खेरबल मेडिकल सेंटर से। आज हमारे साथ हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं, गेस्ट हैं, हु हैव अंडरटेकन वन स्पेशल ट्रीटमेंट विद अस एंड दे आर वेरी स्पेशल फॉर मी। एंड हम इनसे जानेंगे कि इन्होंने क्या ट्रीटमेंट करवाया, क्यों करवाया, एंड देयर एंटायर जर्नी एंड हाउ दे हैव फेल्ट एंड हाउ हैव दे बीन एक्सपीरियंस विद अस। सो आई पास ऑन टू रीना। She's our medical counselor, and Reena, you know Reena very well. So Reena, please take over the charge and talk. Hello friends, मैं रीना हांडा, medical counselor। हमारे साथ आज निशा जी हैं और निशा जी के husband हैं हमारे साथ। और हम इनसे जो बात करना चाह रहे हैं वो ये है कि इन्होंने यहाँ से कुछ ट्रीटमेंट लिया एंड दे आर वेरी हैप्पी, तो उनके कुछ एक्सपीरियंस डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले मैं चाहूँगी आप अपना इंट्रोडक्शन दें दोनों कि आप प्रोफेशनली क्या करते हैं। मैं प्रोफेशनली ब्यूटिशियन हूँ, अर्बन क्रैप के साथ काम करती हूँ एंड मेरा अपना किचन सर्विस का काम है। एंड मेरा नाम जगजीत सिंह पाठक है, मैं आईटी से हूँ, मेरी वाइफ है। ओके, सो सर हमें ये बताएं कि सबसे पहले कि आपने हमें ये केयरवेल को कैसे ढूंढा, कैसे हम तक पहुँचे आप? केयरवेल तक पहुँचने में मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि मेरे को टमी टक सर्जरी और इन सब ट्रीटमेंट का कुछ आइडिया नहीं था। तो वेट लूज करना या बॉडी टोन करने के लिए दिमाग में और जो देखते थे आसपास वो एक ही चीज़ होती थी, वो होता था जिम, एक्सरसाइज करो और फिट रहो, एक्सरसाइज करो और फिट रहो। बट इनके केस में क्या था कि एक्सरसाइज हो रही थी, जिम जाना है, जिम से आना है, जिम जाना है, 3-4-5 बार ऐसा हो गया और काफ़ी टाइम से, मतलब 6-7 साल से ट्राई कर रहे थे, बट उससे कुछ बॉडी का वेट तो लूज हो रहा था बट पेट जो इनका टमी था वो अंदर नहीं जा रहा था। और हमेशा देखने में ऐसा लगता था जैसे 7 मंथ या 8 मंथ्स की प्रेग्नेंट है। तो कभी मेट्रो में जा रहे हैं तो लोग उठ जा रहे हैं, बैठ जाइए बहन जी, ट्रेन में जा रहे हैं तो बैठ जाइए बहन जी, बस में जा, ये होता था, ये एक्चुअली में ऐसा हो रहा था। तो कभी कभी तो इसका फायदा मिल जा रहा था, सीट मिल जाती थी, लाइन में नहीं लगना पड़ता था। बट ओवरऑल अगर लाइफ की बात करें तो लाइफ में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस एक होता है जो इंसान का, वो नहीं आ रहा था। तो ये मेरे को बोलती तो नहीं थी बट मेरे को पता चल जाता था, साउथ एक्स की थी ये, मैंने इनको उस तरीके से देखा हुआ था शादी से पहले कि इनका लाइफ स्टाइल क्या था, सारी चीजें। अभी आप देखिए कितना चेंज है, आपने जब पहली बार देखा हुआ था काफी चेंज आ गया, तो वो मैं देखता था, मेरे को महसूस होता था, लेकिन मेरे को कुछ पता ही नहीं चल रहा था उस समय कि यार करे क्या, इसका होगा कैसे, ये चीज सही कैसे होगी। ये फिर अब क्योंकि आईटी में हूं तो नाइट में काम कर रहे हैं, बैठे हैं सर्च करते करते एक दिन ऐसे यूट्यूब मतलब चल रहा था तो कुछ कीवर्ड्स डाले, एग्जैक्टली तो मुझे कीवर्ड्स याद नहीं है, मैंने यूट्यूब पे कुछ डाला तो मेरे को फॉरेन की एक वीडियो देखी जिसमें टमी टक का, तो वो वीडियो मैंने पूरी देखी। जब मैंने वीडियो पूरी देखी तो फिर मैंने जब वीडियो देखी तो मैं सुबह जब मैं इनसे बातचीत करने लगा तो मैंने इनको वीडियो दिखाई, मैंने कहा ऐसा ही ट्रीटमेंट कुछ चाहिए था क्योंकि इनका जो टमी था वो जब ये लेटती थी तो उसको देख के मुझे लगता था कि यार इसमें कुछ ना कुछ सिलने वाला हिसाब है, टाइट करने वाला हिसाब है। तो वीडियो जब देखा तो मैंने कहा ये है, फिर ये थोड़ा सा वीडियो को देख के घबराई, मैंने कहा एक बार डॉक्टर से कंसल्ट किया जाएगा, देखा। फिर मैंने और भी गूगल पे सर्च करना शुरू किया, फिर मैंने आप लोगों की वीडियो भी देखी, गूगल पे मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली, मैंने कहा यहाँ चलते हैं पहले एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, देखते हैं क्या है। फिर आपके मेडिकल सेंटर का मुझे यूट्यूब वीडियो पे मिला गूगल के थ्रू, मैंने कॉल किया, फिर शायद संजना जी से मेरी बात हुई थी तो इन्होंने बोला आ जाइए देखते हैं, फिर यहाँ पर आए, फिर आप लोगों से मुलाकात हुई तो लगा हाँ ये पॉसिबल है, तो इस तरीके से फिर। सो फ्रेंड्स, हमने मैम का लाइपोसक्शन और एब्डोमिनोप्लास्टी किया, यानी कि जो इनकी प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए। सो इसके अलावा भी कोई चैलेंज थे जो आप फेस कर रहे थे जिसकी वजह से आपने डिसाइड किया कि नहीं अब हमने ये करना ही है? सबसे बड़ी बात मैं कुछ ड्रेसअप नहीं कर पाती ये तो बड़ा मेजर रहता है हमेशा, मेन रीजन था कहीं जाते समय मुझे सोचना पड़ता था कि क्या पहनूं, आखिर मुझे आएगा क्या। मैं 3-4 बार कपड़ों को ट्राई करती थी क्या अच्छा लग रहा है क्या अच्छा लग रहा है, जब नहीं अच्छा लगता था तो मैं कहती थी मैं नहीं जाऊंगी तुम जाओ। फिर लास्ट में जब इन्होंने मेरे को वो वीडियो दिखाई तो अब मैंने उनको मना कर दिया कि भाई मैं नहीं कराऊंगी, मुझे नहीं कराना, ये इतना मैं नहीं झेल पाऊंगी। फिर इन्होंने मेरे को बोला कि एक बार ट्राई करते हैं, जाते हैं वहाँ पर बातचीत करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। तो जब मैं यहाँ पर आई, मैंने डॉक्टर बसीन से बात करी,
फिर मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बताया जब मेरे को, तो मैं थोड़ा सेटिस्फाई हुई, फिर मैं वापस घर गई। तब मैंने फिर से बोला कि नहीं, मैं नहीं कराना चाहती, मुझे बहुत डर लग रहा है। तो इन्होंने बोला एक बार एक काम करते हैं, टेस्ट करवा लेते हैं। तो टेस्ट कराने के बहाने से भी मेरे को लेके आए थे, और मुझे सच में नहीं पता था कि मेरी सर्जरी होने वाली है। और इतना सपोर्ट मेरे को, मतलब मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि मेरे हस्बैंड मेरे को इतना सपोर्ट करेंगे। तो ये कह रहे कि मैंने देखा है तुम्हें रोते हुए। तो मैंने बोला कि लेकिन मैं सर्जरी नहीं कराऊंगी। तो जब मेरे को बोला यहाँ पे कि अब आपकी सर्जरी है, तब मेरे होश उड़ गए थे लिटरली कि अब सर्जरी है, मतलब अब मैं गई। और जब मैं सर्जरी के बाद वापस आई और मेरे को जो पेन हुआ, यहाँ पे डॉक्टर और स्टाफ का कैसे बिहेवियर था उस टाइम आपके साथ, हाउ आर यू फीलिंग जब आप इतना नर्वस हो रहे थे? हाँ, उस टाइम जब मेरे को स्टाफ ने इतना मतलब काफी अच्छे से डील किया, मेरे को फील नहीं हुआ कि मेरे को पेन हो रहा है। जब उन्होंने वो बार बार जब मैं बोल रही थी कि मेरे को पेन हो रहा है, तो उन्होंने इंजेक्शन दिया, उसके बाद मुझे कोई पेन नहीं हुआ। स्टाफ का तो ऐसा है कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप किसी भी स्टाफ को देख लीजिए, उनके चेहरे पे आपको स्माइल नहीं मिलेगी। स्माइल नहीं मिलेगी। और कभी उन्होंने मेरे को कभी बात करके हाँ सर ठीक है, और जगह मैंने नोटिस किया है स्टाफ काफी रूड हो जाते हैं, मैडम थोड़ा सा वेट कर लो, आप थोड़ा सा ये कर लो वो कर लो, उस टाइप से नहीं था। खुशबू और खुशबू प्रियंका, इन्होंने बहुत अच्छे से मेरे को डील किया। मेरे को बहुत खुशी हो रही थी कि मैंने इनसे यही बोला कि स्टाफ बहुत अच्छा है, जो वहाँ पर स्वीपर है और सफाई करते हैं, जाती हूँ उनसे भी एक बार मेरी बात हुई, मैंने कहा ठीक है, कह रहे हाँ सर आप पेंशन ले लीजिए, आप सही जगह आए हैं, ठीक है। I want to really tell people क्योंकि I see Nisha ji and her husband कितना supportive है इनके husband, this is something we must appreciate and this is a message I want to give to all of you कि couples में ऐसा ही bonding हो तो it will be really so nice, you know, to get such a supportive husband and you know such a caring husband. Nisha ji, you are very lucky. नहीं, उससे पहले इन्होंने भी मेरे को बहुत सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट, मैं मतलब बता भी नहीं सकता। मेरा जो बिजनेस या मेरा जो काम था उसमें बहुत। नाउ फाइनली हमारा क्वेश्चन ये है आपके, आपको अब सर्जरी के बाद कैसा लग रहा है, आपको अपने रिजल्ट कैसे लग रहे हैं? खुशी हो रही है, आप मेरा लुक चेंज देख रहे हैं, आप सबको बताए निशा जी इज अ वेरी गुड मेकअप आर्टिस्ट और ये बड़े वे में आ रही है, इनके इनका भी अपना इंस्टाग्राम, मेरा इंस्टाग्राम पे भी आएगा, यूट्यूब पे भी आएगा और फेसबुक पे भी मैं अपलोड करूंगी अपनी वीडियोस, दोनों चीजों की, मेकअप की भी और अपना किचन सर्विस में जो जो मैं बनाऊंगी उसका भी। शी इज एन एक्सलेंट मेकअप आर्टिस्ट सो एंड वेरी गुड कुक। सो फ्रेंड्स, आप अब उनसे बात करके आपको समझ में आ गया होगा कि उन्होंने कितना एफर्ट किया अपने आप को चेंज करने के, ताकि इनकी प्रोफेशनल लाइफ और बेटर हो जाए, लाइक फैमिली लाइफ के साथ साथ प्रोफेशनल भी। तो उन्होंने प्रोफेशनल पर्पज से भी शायद ये डिसीजन लेके किया है एंड नाउ शी इज़ हैप्पी विद हर डिसीजन। और आप सब भी उनको सपोर्ट कीजिएगा उनके नए बिजनेस में या चीज़ों में, बिकॉज अभी वो काफ़ी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं जो नहीं था पहले। सो हमारी बहुत बहुत बधाई आपको एंड कंग्रेचुलेशन फॉर दैट। We wish you best for your career as a makeup artist into your kitchen services, जो भी आप करना चाहते हैं, and we will like हमारे जितने clients हैं, जो हमारे viewers हैं, वो भी आपको ये support extend करें। Thank you. मेरे बच्चे भी इतना support करते हैं मुझे। So supporting family, husband support करता है wife को, wife support करती है husband को, और बच्चे दोनों को support करते हैं। तो ऐसी सारी family को होना चाहिए, happy family।